अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण खान और आज का एक स्पेशल वर्कआउट है जो कि मुझे इंस्पायर किया गया है मेरी मदर इन लॉ से। उन्होंने मुझे बड़ा इंसिस्ट किया कि मैं ये वीडियो बनाऊं उनके लिए, उनकी फ्रेंड्स के लिए और जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते उनके लिए। देर आर पीपल जो उठ नहीं सकते, देर आर पीपल हु वॉन्ट टू डू एक्सरसाइज बट देर लिमिटेड, और ऐसे लोग जो किसी बीमारी में मुबतला हैं या किसी एक फेज से गुजर रहे हैं, वो रियली वांट टू डू एक्सरसाइज, वो मोटापे की वजह से नहीं कर पा रहे, नी प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं कर पा रहे, तो ये एक वर्कआउट स्पेशल मैंने उनको डेडिकेट किया है कि वो बेड पे बैठ के, चेयर पे बैठ के, सोफे पे बैठ के बड़े आराम से ये लोग वर्कआउट कर सकते हैं। आप वीडियो को सामने लगाएँ एंड मेरे साथ वर्कआउट करें। तो इस वर्कआउट में आर्म्स, चेस्ट, बैक, शोल्डर्स की एक्सरसाइज है, साथ में एक छोटी सी एक्सरसाइज है लेग्स के लिए जो कि आप बहुत आसानी से घर में किसी भी जगह पे कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सारी एक्सरसाइजेस करने के लिए हमें एक चेयर की ज़रूरत है। मैं आपके सामने एक चेयर पे एक्सरसाइज करूँगी और मैं आपको करके दिखाऊँगी। और एक्सरसाइजेस के नाम जो हैं वो इंग्लिश और उर्दू में दोनों में बताऊंगी। मैं अपना टाइमर सेट कर रही हूँ, 10 सेकंड का रेस्ट है पहले और फिर 30 सेकंड की हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है आर्म रोटेशंस। 15 सेकंड हम करेंगे क्लॉकवाइज, 15 सेकंड करेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। लेट्स स्टार्ट। हम अपने दोनों आर्म्स को बिल्कुल सीधा रख के उनको सर्कुलर मोशन में पहले पीछे की तरफ घुमाएंगे और फिर आगे की तरफ। अब हमारे पास 10 सेकंड का रेस्ट है, इसके बाद हम फ्रंट एंड बैक पल्सेस करेंगे। इसमें दो दफ़ा आपने आगे को हाथ लेकर आने हैं पल्सेस के मोशन में और दो दफ़ा पीछे को, और इस कंटिन्यूस मोशन को हम 30 सेकंड्स के लिए करेंगे। आज की हमारी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो 30 सेकंड्स एक्सरसाइज है और 10 सेकंड्स का रेस्ट है। आपको टाइमर स्क्रीन में नीचे नज़र आता रहेगा, आप उसको देखते रहिए और साथ साथ फॉलो करते रहें। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है डाउनवर्ड फ्लाइज। ये हमने बचपन में भी एक्सरसाइज की थी, हम कहते थे कि हम तितली की तरह उड़ रहे हैं। हम अपने हाथ बाजुओं को बिल्कुल सीधा रख के ऊपर नीचे मूव करेंगे। और अगर आप बीच में देख रहे हैं कि मैं हंस रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कंपनी किया था और बिल्कुल मेरे सामने बैठ के मुझे फॉलो कर रही हैं। आई नो आई एम रियली पुशिंग यू गाइज कि आप लोग एक्सरसाइज करें। मुझे भी बर्न फील हो रहा था थ्रू आउट ये एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के बाद मुझे 3-4 घंटे तक ये एक्सरसाइज जो थी बाजों में फ़ील हो रही थी, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव है स्पेशली उन लोगों के लिए जो गर्ल की अपर बॉडी जो है वो हैवी है। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है रोटेशंस। रोटेशन में हम बनाते हैं सी, इमेजिनरी सी को ड्रॉ करेंगे, इसको रेनबो भी कहते हैं। आपने आर्म्स बिल्कुल सीधे बाहर एक्सटेंड करने हैं और सी, इमेजिनरी सी को ड्रॉ करना है। मैं आपको साइड पे बैठ के भी दिखाती हूँ कि मोशन साइड से किस तरह से दिखाई देता है। सी लिख रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी स्नो एंजल। हम हाथों को बिल्कुल सीधा बाहर की तरफ निकालेंगे, एक दफ़ा ऊपर टच करेंगे, एक दफ़ा बिल्कुल चेयर के बिल्कुल साथ में टच करेंगे।
ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी बैक की बल्जेस के लिए, शोल्डर के लिए, नेक लाइन के पास के एरिए के लिए। अगर आप बीच में पॉज करना चाहते हैं या ब्रेक लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। टेन सेकेंड का रेस्ट है, इसके बाद हम करेंगे इन एंड आउट्स जो कि आपके बाइसेप के लिए है। हमारी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, बस स्टे ऑन विद मी कि आप इस एक्सरसाइज को पूरा करके ही बाहर निकलें। हम अपने आर्म्स को बाहर एक्सटेंड करेंगे, एल्बोज अपने आर्म्स को फोल्ड करेंगे और इस मोशन को आप तेज़ भी कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है फ्रंट एंड लैटरल रेजेस। इसमें हम दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाएंगे, दोनों को एक साथ सामने की तरफ उठाएंगे और एक दफ़ा साइड की तरफ। बाजुओं को बिल्कुल बेंड नहीं करना, एल्बोज़ को बिल्कुल बेंड नहीं करना, आप बिल्कुल सीधा अपने बाजू एक स्टिक की तरह से बिल्कुल सीधा उठाएंगे और साइड पर उठाएंगे। याद रखिएगा कि आपके बाजू जो है वो कानों से ऊपर नहीं जाने चाहिए और फ्रंट में चेन से ऊपर नहीं आने चाहिए। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्राइसेप एक्सटेंशन। इसके लिए आप थोड़ा सा आगे की तरफ झुकेंगे, दोनों हाथों पे मुट्ठियाँ बनाएंगे और दोनों हाथों को ज़ोर से पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। जब आप एक्सटेंड करेंगे तो अपने बाजू को अपने स्क्वीज़ करना है ताकि जो आपके बाजू के पीछे की जो बल्ज है उस पर हम काम कर रहे हैं। हमारी लास्ट एक्सरसाइज है चेस्ट प्रेस विद शोल्डर प्रेस। हम दोनों एल्बोज़ को सामने की तरफ आपस में जोड़ेंगे और फिर दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी बैक के लिए, आपकी चेस्ट के लिए, आपके शोल्डर्स के लिए। मैं आपको स्लो मोशन में करके दिखा रही हूँ कि दोनों हाथों को आपस में जोड़ें और उसके बाद खोलें और उसको ऊपर की तरफ लेकर जाएँ। गुड जॉब एवरीवन, आई होप आप लोगों ने वर्कआउट एंजॉय किया हो और आपने अपने कमेंट्स में शेयर करें कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के और वर्कआउट्स मैं आप लोगों के लिए और बनाऊं। थैंक यू। वी आर डूइंग अ बोनस लेग्स वर्कआउट। एक छोटा सा वर्कआउट है लेग्स के लिए, जहां पे हमने आर्म्स का वर्कआउट किया वहाँ पर थोड़ा सा बाजुओं के लिए भी। हमें इसके लिए चाहिए एक चेयर और हम स्टार्ट करेंगे विद लैटरल लेग रेजेस। आप चेयर को सामने की तरफ पकड़ेंगे और लेग्स को साइड वेज ऊपर की तरफ उठाएंगे, 15 सेकेंड ईच साइड। अब दूसरी साइड की लेग को आप सेम इसी तरीके से साइड की तरफ ऊपर की तरफ रेज करेंगे। इट इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज आपके साइड ऑफ हिप्स की साइड के लिए। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स यूजली चेयर के बगैर की जाती है, बिकॉज लोगों को नी इशू होता है, इसलिए हम चेयर के साथ करेंगे। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आप चेयर पे बैठेंगे एंड यू विल स्टैंड बैक अप। आप एक दफ़ा बैठेंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे और नीचे बैठेंगे और वापस खड़े हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी लेग्स के लिए, स्पेशली आपके फ्रंट एंड बैक ऑफ द थाइस के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेग्स के साथ फ्रंट रेजेस, 15 सेकेंड ईच साइड। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके स्टमक के लिए, लोअर बेली के लिए और आपकी लेग्स के लिए।
अगर आप चेयर के बगैर भी खड़ा होना चाहते हैं, अगर आप बैलेंस कर सकते हैं, यू आर मोर देन वेलकम टू डू सो। अगर आपसे खड़ा नहीं हो पा जाता तो आप चेयर की मदद से अपने आप को सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है काफ रेजेस। ये आपके काफ्स के लिए है। चेयर की मदद से आप अपने आप को सपोर्ट कीजिए और फिर अपने पंजों पे एक सेकंड के लिए ऊपर खड़े हो जाइए। इस प्रोसेस को 30 सेकंड तक आपने रिपीट करना है बार बार। गुड जॉब। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है सर्कल्स। आपने इमेजिनरी सर्कल जो है वो ज़मीन पर ड्रॉ करना है, पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। सेम लेग से अब हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके हिप जॉइंट के लिए, आपके हिप्स के लिए एंड साइड ऑफ द लेग्स के लिए। और अब हम दूसरी लेग की करेंगे। अब साइड चेंज करेंगे, इस पर भी हम सेम उसी मोशन से रिपीट करेंगे, इमेजिनरी सर्कल बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज 15 सेकंड्स के लिए। आप ज़मीन की तरफ देख सकते हैं कि आपने सर्कल ड्रॉ करना है इमेजिनरी। अब हम करेंगे क्लॉकवाइज। अब हम करेंगे बैक किक्स। इसमें हम चेयर को बिल्कुल सामने की तरफ खड़ा करेंगे, थोड़े से नीज को बेंड करेंगे और पीक बैक की तरफ किक करेंगे। थोड़ा सा नी बेंड, बैक की तरफ किक। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है उन लोगों के जिनके नीज़ में पेन होती है, बैक में पेन होती है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है उन मसल्स को स्ट्रेंथन अप करने के लिए। और ये एक्सरसाइज हम दोनों लेग्स के साथ करेंगे। पहले हम लेफ्ट स्क्वाट, राइट स्क्वाट, लेफ्ट। नाउ वी आर ऑन टू आवर लास्ट एक्सरसाइज लेग एक्सटेंशंस। आप चेयर पे बैठेंगे, दोनों पैरों को आपस में जोड़ेंगे और उनको दोनों इकट्ठे ऊपर की तरफ उठाएंगे, सामने की तरफ, और एक सेकंड के लिए आप इसको होल्ड करेंगे। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी फ्रंट ऑफ द थाइस के लिए। आई रियली होप आप लोगों ने ये वर्कआउट इन्जॉय किया हो। ये लेग्स की स्ट्रेंथ के लिए, डेली मूवमेंट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। प्लीज़ डू शेयर एंड कॉमेंट कि आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाऊँ, तो डू कॉमेंट अंडर माई वीडियो। टेक केयर।